आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स बाय मेगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए फर्मेंटेड राइस वाटर की वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है, यहाँ पर बोल में मैंने हैंडफुल ऑफ राइस लिए हैं और उनको मैंने फर्मेंटेड होने के लिए रख दिया 48 आवर्स के लिए, ठीक है। अब 48 आवर्स के बाद मेरा जो राइस वाटर है वो इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है, थोड़ी क्या, इनफैक्ट बहुत स्मेल आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पानी को स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लूँगी, ठीक है। अब जो ये राइस बचे हैं इसके ना, तो मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक फेस पैक बताऊँगी आपको। अब मैंने इसमें क्या किया है, एसेंशियल ऑयल रोज़मेरी का 5 ड्रॉप्स में ऐड कर दूँगी मैं, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की। थोड़ी स्मेल कम हो जाएगी तो आप इजीली बालों में अप्लाई कर सकते हो। अब बस आपको अच्छे से मिक्स करना है राइस वाटर को। आपका जो राइस वाटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगली बात ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन करते हो हेयर में, तो आपके बाल हमेशा टैंगल फ्री होने चाहिए और हमेशा साफ़ होने चाहिए, उसमें कोई डर्ट होनी नहीं चाहिए। तो हमेशा शैम्पू करने के बाद ही आप कोई पैक लगाइए या कोई भी आप हेयर टॉनिक यूज़ करिए या हिना का एप्लीकेशन करिए, तो हमेशा आपके बाल हमेशा धुले हुए साफ़ होने चाहिए, ठीक है। तो बस अब आपको इसका एप्लीकेशन करना है, 1 आवर के लिए इसे बालों में आपको लगा के छोड़ देना है, फिर आप शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।